हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपने दादाजनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो इस समय कल से परसों से बारिश हो रही थी, तो आज थोड़ा सा मौसम थोड़ा सुधरा है। तो हम मिट्टी की सेहत में सुधार करने के लिए दूध का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र की तरह कर सकते हैं। तो आइए जाने कैसे करता है, फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है दूध। तो इसमें दूध में कैल्शियम होता है, जिस तरीके से हम लोगों के लिए दूध बहुत ज़रूरी होता है, हड्डियां मजबूत करता है, इसलिए कैल्शियम भी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो दूध से हमें मिल सकता है। और दूध से हमें प्रोटीन भी मिलती है और कैल्शियम में जो पौधे की वृद्धि के लिए, विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप दूध को पानी में मिलाकर पानी की मात्रा ज़्यादा रखें और इस्तेमाल करें। फसलों की उपज में भी मदद साबित कर सकता है दूध, और क्योंकि इसमें पौधे दूध में शुगर भी होता है, जो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है और स्वस्थ पौधे हैं और हैं, तो उसकी उपज के लिए बहुत दूध बहुत ज़रूरी है। फंगस से भी बचाव करता है दूध, अगर पतला सा करके आप दूध डालें तो फंगस, फफूंदी और सड़न जैसी बीमारियां होंगी वो भी नहीं प्लांट में लगी रहेगी। तो एक भाग दूध और दो भाग पानी डालें, तो ये 10 दिन तक डाइल्यूट करके आप लिक्विड बनाएं और 10 दिन तक प्लांट में डालते रहें, जिससे पौधों में फंगस वगैरह नहीं लगेगा। और मिट्टी में डालेंगे तो उस मिट्टी में भी सुधार हो जाता है, उसमें पोषक तत्वों की कमी पूरा कर देता है और मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में दूध डालने से विटामिन सी और जो वसा होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए मिट्टी में हमें दूध ज़रूर मिलाना चाहिए। और मिट्टी में सिर्फ दूध का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो आप पानी में लिक्विड बनाकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पाउडर भी छिड़का सकते हैं। कीड़ों से, अगर आपके प्लांट में कीड़े मकोड़े भी लगे हैं तब भी आप दूध का स्प्रे कर सकते हैं कीड़ों से बचाव करने के लिए। तो होल मिल्क का उपयोग करना है कीड़ों से बचाने के लिए। अगर आपने अपने गार्डन में सब्जी वगैरह, टमाटर वगैरह लगाया है, तो टमाटर की वृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे स्वाद के लिए भी, और टमाटर बड़े बड़े आएँ, टमाटर का स्वाद बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए भी आप दूध का फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। तो दूध हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें मौजूद शुगर, कैल्शियम और प्रोटीन और भी विटामिन्स होते हैं। तो दूध पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, और जिस मिट्टी में आप मिला रहे हैं तो उसकी उपजाऊ शक्ति भी मिट्टी में बढ़ेगी, जिससे प्लांट की वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी। उसमें कुछ सूक्ष्म तत्व, खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप अपने प्लांट में दूध का प्रयोग ज़रूर करें। दूध एक भाग रखें और 3 या 4 भाग आप पानी लें, उसको डाइल्यूट करके आप स्प्रे करें, तो प्लांट के लिए बहुत अच्छा कारीगर साबित हो सकता है, और जिससे मिट्टी भी सुधार हो सकती है और उसमें भी उपजाऊ शक्ति, उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे पौधे बहुत स्वस्थ होंगे। फंगस वगैरह लग जाता है तो उसके लिए भी आप दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अपने प्लांट को, जब मिट्टी अच्छी होगी तो प्लांट भी स्वस्थ होंगे और उनको बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप प्लांट में दूध इस्तेमाल करिए, मिट्टी के सुधार के लिए और प्लांट की वृद्धि के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए प्लांट में कितने अच्छे अच्छे फूल आए हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।